हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर रे डायग्राम्स, मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला के बारे में। इन तीन चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था, कॉनकेव मिरर से कैसे इमेज बनता है। आज हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर से कैसे इमेज बनता है। इसके बाद मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में पहला केस होता है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हो, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर हो तब कैसा इमेज बनता है, कहाँ इमेज बनता है वो देखते हैं। ये हम लोग का कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर इन्फिनिटी पर, बहुत दूर है, मतलब यहाँ पर अगर मिरर है तो बहुत ज़्यादा दूर इन्फिनिटी अनंत पर ऑब्जेक्ट है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। अब क्या होगा, रे आएगी टॉप और बॉटम से। टॉप और बॉटम से क्यों, क्योंकि हम लोगों को पूरा का पूरा इमेज चाहिए, इसका पूरा का पूरा इमेज चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ऊपर और नीचे से किरण को खींचा है, रे डायग्राम बनाया है उसके लिए। अब क्या होगा, जैसा कि हम लोगों ने रूल में पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समानांतर किरण आ रही है तो वो फोकस पर मुड़ जाएगी, पर यहाँ तो कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी और इसको हम ऐसे मान सकते हैं कि ये पीछे में कहीं पर मिल रही है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन से मैंने वही दिखाया है, ये फोकस पर मिल रही है। तो इस सिचुएशन में हमारा इमेज कहाँ बना, हमारा इमेज बना फोकस पर। हमारा इमेज कैसा बना, क्योंकि यहाँ पर वास्तविकता में रिफ्लेक्टेड रे जो है, वास्तविकता में रिफ्लेक्टेड रे मिल नहीं रही है। रिफ्लेक्टेड रे तो इस डायरेक्शन में जा रही है, हम लोग बस कल्पना कर रहे हैं कि ये पीछे बढ़ाकर यहाँ पर मिल रही है, तो इमेज बनेगा वर्चुअल। देखिए, पोजीशन बिहाइंड मिरर एट फोकस, मिरर के पीछे में ही तो बन रही है, फोकस पर बन रही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसके बाद है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट, जैसा कि मैंने बताया कि ये काल्पनिक रूप से हम लोग इसको मिला रहे हैं फोकस पर, तो ये वर्चुअल है। इरेक्ट क्यों है, मतलब सीधा है, वर्चुअल होता है तो इरेक्ट भी होता है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस इसके बारे में किया था। नेक्स्ट साइज जो है वो पॉइंट साइज है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, इसका सर भी यहीं बन रहा है, इसका पैर भी यहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या, इसका सर पैर एक हो गया है, मतलब एक बिंदु सा इमेज बन रहा है, एक बिंदु सा इमेज बन रहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की ओर। नेक्स्ट केस, जब ऑब्जेक्ट जो है, जब आप इन्फिनिटी और पोल के बीच में खड़ा हो जाए, मतलब अनंत और पोल के बीच में अगर आप खड़े हो गए तब क्या होगा, तब इमेज कैसे बनेगा। यह है कॉन्वेक्स मिरर, यहाँ पर है पोल, इस जगह पर पोल होता है। अब हम लोगों ने वस्तु ले ली इन्फिनिटी और पोल के बीच में। इन्फिनिटी तो बहुत दूर हो जाता था ना, पिछले केस में हम लोगों ने देखा इतने दूर बनाया था, पर अब हम लोग ऑब्जेक्ट को पास ला दिए कि हम लोगों को डिस्टेंस पता चल रहा है कि ये इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। ठीक है, अब हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं। ये एक किरण आई ऊपर से और रिफ्लेक्ट होकर चली गई उस साइड, ये पैरेलल आई, रिफ्लेक्ट हुई, चली गई। अब क्या होगा, इससे तो इमेज बन नहीं रही, तो हम लोग एक और रे लेते हैं। ठीक है, एक और रे लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस एक रे से तो हम लोगों को इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोगों ने एक और किरण ली, एक और रे ली जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पथ पर जा रही है। ठीक है, इस कंडीशन में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम लोगों ने खींचा तो इस पथ को यहाँ पर, इस पथ से यहाँ पर
मतलब यहाँ पर टच किया, इसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इस डायरेक्शन में चले गए, जैसा कि रूल में हम लोगों ने सीखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ में आने पर उसी पाथ को फॉलो करती हुई रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये हो गई। लेकिन अब इमेज एक्चुअल में तो रिफ्लेक्टेड रे से बन नहीं रही है, तो हम लोगों ने इसको पीछे की ओर बढ़ाया। देखिए ये पीछे की ओर हम लोगों ने बढ़ाया, ये देखिए पीछे की ओर जब हम लोगों ने इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाया तो इस पॉइंट पर मिल रही है, इस पॉइंट पर मिल रही है, मतलब टॉप का जो इमेज है वो इस पॉइंट पर बन गई है, टॉप के इमेज। ठीक है, आप अगर यहाँ खड़ा थे, आपका सर यहाँ था, तो आपका सर का इमेज यहाँ बन गया। उसी तरीके से अगर आप इस पॉइंट से भी खींचें, इस पॉइंट से भी खींचे तो वही होगा। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ खींचा और इसके हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को इमेज बन गया। उसी तरीके आपके बॉडी के, यहाँ पर आप खड़े हैं तो आपके बॉडी के हर पार्ट की इमेज एक के बाद एक, एक के बाद एक नीचे बनती चली जाएगी। इससे आपका एक पूरा का पूरा इमेज बन गया। ठीक है, देखिए ये आपका पूरा का पूरा इमेज बन गया यहाँ पर। तो इससे अब हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों का पोजीशन जो है, इमेज का जो पोजीशन है, हम लोगों की प्रतिबिंब का, आपके जो प्रतिबिंब का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है मिरर के पीछे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मिरर है, मिरर के पीछे में हम लोगों के इमेज बना। कहाँ बना? बिटवीन पोल एंड फोकस। ये पोल है और ये फोकस है, तो इसके बीच में कहीं पर बन रहा है इमेज। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ इमेज। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि हम लोग एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे के मिलने से ये इमेज बन नहीं रही है, हम लोगों को पीछे बढ़ाना पड़ रहा है इमेज को प्राप्त करने के लिए, हम लोग कल्पना कर रहे हैं, इसलिए ये वर्चुअल है और इरेक्ट भी है। अब बात करते हैं साइज की। साइज आप देख ही पा रहे हैं कि स्मॉल हो गया, छोटा हो गया साइज। ठीक है, ये इतना बड़ा था आप, अब छोटे होके इतना छोटा हो गए आप। ठीक है, बस इसका बस यही दो केस बनते हैं। पीछे हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में, जो फोकस पर भी ले रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी ले रहे थे, यहाँ पर क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये मिरर है, मिरर के पीछे में थोड़ी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। आप मिरर के पीछे में अगर खड़े हो गए तो आपकी इमेज थोड़ी बनेगी, आपको तो मिरर के सामने में खड़ा होना पड़ेगा, तब ना आपकी इमेज बनेगी मिरर पर। अगर आप मिरर के पीछे में खड़े हो गए तो आपकी इमेज कैसे बनेगी? ठीक है, इसलिए इसमें सिर्फ दो ही केस होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर का यूज़ हम लोगों ने देखा था, अब कॉन्वेक्स मिरर का भी यूज़ थोड़ा देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। पहला जो यूज़ आप बचपन से शायद देखते आ रहे होंगे कि रियर मिरर, कार के रियर मिरर में यूज़ होता है, या फिर साइड मिरर में भी यूज़ होता है। ठीक है, ये कार हो, ये कार अगर हुई तो ये जो साइड मिरर होता है, ठीक है, यहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ पर रियर मिरर जो लगता है वहाँ पर भी यूज़ होता है। आखिर इसका कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज़ क्यों होता है? देखिए, हम लोगों ने पिछले केस में, पीछे हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का भी साइज, जो इमेज का साइज होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़े ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो छोटी हो जाती है, तो इसी का फ़ायदा हम यहाँ पर उठा रहे हैं, बस इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, बाहर अगर गाड़ी के अंदर कोई बैठा हुआ है तो उसको अपने पीछे आते हुए गाड़ियों की इमेज चाहिए, पीछे आ रही हुई गाड़ी को देखना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारा एरिया को वो छोटा करके एक छोटे से मिरर में हम लोगों को दिखला सकता है।
जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आप क्लास में बैठे हैं, बेंच है, ठीक है, ये बेंच है, दो मोटे लड़के आ गए और इन्होंने पूरी की पूरी जगह आप घेर ली, तो आप हैं पतले दुबले, आपके दोस्त भी हैं पतले दुबले, अब आप बेंच पर बैठ नहीं सकते, ठीक है। तो अब मैं एक ऐसा बेंच लाता हूँ जो कि इन दोनों की साइज को, इन दो मोटे लड़के के साइज को आपके जैसा बना दे, छोटा सा बना दे, तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि बेंच में आप चारों अट सकते हैं, आप चारों एक साथ बैठ सकते हैं, ठीक है। यही हुआ फ़ायदा, क्योंकि साइज तो दोनों मोटे लड़का का छोटा हो गया, जिसकी वजह से दो लोगों के लिए और जगह बन गई, तो आप दोनों भी आ गए। तो उसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में भी जो पीछे, जो गाड़ी के पीछे या साइड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पेड़ पौधे, गाड़ी, घोड़ा, जो भी है, उनका साइज को छोटा कर देता है, उनके इमेज के साइज को छोटा कर देता है, जिससे कि पूरे के पूरे इमेज जो है, बहुत सारा ऑब्जेक्ट का इमेज एक छोटे से मिरर में आ जाता है। इसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, इसी के फ़ायदा उठाते हैं। दूसरा होता है शॉप्स में, ठीक है, दुकानों में भी सिक्योरिटी के लिए इसका यूज़ होता है। अब बोलेंगे कि सिक्योरिटी के लिए तो सीसीटीवी कैमरेज आ चुके हैं, बट सीसीटीवी कैमरा में कितना देर तक आदमी देखेगा, है? तो इसलिए बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर कोने कोने में लगाया रहता है, कोने कोने में लगाया जाता है, जिससे कि यहाँ पर शॉपकीपर जो है वो अपने डेस्क से ही पूरे के पूरे शॉप पर, अपने पूरे के पूरे दुकान पर नज़र रख सकता है, क्योंकि ये एक वाइड रेंज का इमेज हम लोगों को दिखाता है। क्योंकि जैसे हम लोगों ने कार में भी देखा था, एक बहुत बड़े एरिया का इमेज एक छोटे से मिरर में एडजस्ट हो जाता था, तो उसी तरीके से एक पूरा का पूरा शॉप का, अगर सही पोजीशन किया जाए, पूरे पूरे शॉप का इमेज, जो भी हरकतें हो रही हैं उसका नज़र आप रख सकते हैं एक मिरर को देख कर बस। तो बहुत फ़ायदा की बात होती है, बहुत आसानी होती है, तो इसलिए इसका यूज़ होता है। तीसरा जो यूज़ होता है, शार्प एज रोड्स में होता है, जैसे कि एक यहाँ पर आई रोड और ऐसे घूम गई, पहाड़ों पर अक्सर ऐसा होता है, तो ऐसे करके रोड आ रही है और ऐसे करके घूम गई, तो यहाँ पर ऊपर से आ रही है और ये नीचे से आ रही है, ऊपर से जो गाड़ी आ रही है, ऊपर से अगर कोई गाड़ी आ रही है, तो वो नीचे से आ रही गाड़ी को कैसे देखेगी, या फिर नीचे से जो गाड़ी जा रही है वो ऊपर से आते हुए गाड़ी को कैसे देखेगी, और अगर यहाँ पर मुड़े दोनों तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर, बड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि कॉन्वेक्स मिरर का तो फ़ायदा यही है कि वो बहुत बड़े एरिया के ऑब्जेक्ट को एक छोटे से मिरर में एडजस्ट कर सकता है, इमेज बना सकता है। तो क्या होगा कि इस ड्राइवर को यहाँ पर आते हुए गाड़ी का इमेज दिख जाएगा और इस ड्राइवर को ऊपर से आते हुए गाड़ी का इमेज भी दिख जाएगा, तो दोनों सावधान हो जाएंगे और आराम से गाड़ी को चलाकर निकालेंगे, तो यही फ़ायदा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। इसका यूज़ हम लोग देखेंगे, इसका यूज़ जो है, साइन कन्वेंशन क्यों यूज़ होता है, ये मिरर फार्मूला में बनाने के लिए यूज़ होता है। देख लीजिए कैसे इस्तेमाल होता है। साइन कन्वेंशन मतलब कि जो है प्लस लें या माइनस लें, अगर कोई हाइट या डिस्टेंस है तो उसको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, जैसे कि ग्राफ होता था ना, ग्राफ होता था, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स माइनस, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई माइनस, इधर के डिस्टेंस को प्लस प्लस लेते थे, इधर के डिस्टेंस को माइनस प्लस, ऐसे करके लेते थे, तो उसी हिसाब से यहाँ भी होता है। तो पहला जो रूल होता है कि ऑब्जेक्ट ऑलवेज लेफ्ट साइड, ऑब्जेक्ट जो है, आप हमेशा मिरर के, कोई भी मिरर हो, आप उसके मिरर के लेफ्ट साइड में खड़े हो जाएं, ठीक है, खड़े हो गए, ये देखिए आप खड़े हो गए, तो यहाँ पर आप खड़े हो गए,
तो इसके लिए साइन कन्वेंशन है कि हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड हो, ऊपर में हो, तो वो हमेशा ही पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। अगर आप ऊपर में हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपका हाइट, ध्यान रखिए यहाँ पर हाइट का बात हो रहा है, आपकी ऊंचाई पॉजिटिव में लिया जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा वो। आपका हाइट अगर 20 फुट है, मान लीजिए, होता तो नहीं है पर भी 20 फुट है, तो आपके सामने में पॉजिटिव लगेगा, आप प्लस में 20 फुट हैं। अगर नीचे होते तो नेगेटिव में माइनस 20 फुट होता, माइनस 20 फुट लिखा जाता, ठीक है, 20 फुट। अब ये हम लोग का डायरेक्शन ऑफ रे, हम लोग किरणें को इस डायरेक्शन में निकालते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट है तो मिरर इधर है, तो हम लोगों को किरणें को इधर लाना पड़ेगा, तभी तो रे डायग्राम बनेगा और इमेज फॉर्मेशन होगी। ये हम लोग देख चुके हैं, ये भी हम लोगों ने अभी देखा कि अगर हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी तो उसका वैल्यू नेगेटिव में लिया जाएगा, ठीक है, माइनस में लिया जाएगा। जैसे कि हम लोग अगर इसको एक्स माने, ये एक्स पॉजिटिव, इसको एक्स नेगेटिव माने, ये वाई पॉजिटिव हुआ और वाई नेगेटिव हुआ, ये ग्राफ समझ लें, तो ये इसके ऊपर को हम लोग पॉजिटिव लेते थे, लेते थे कि नहीं, तो हम लोगों ने पॉजिटिव लिया, इसके नीचे को नेगेटिव, वाई नेगेटिव होता था तो नेगेटिव ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, वही है केस। अब देखिए डिस्टेंस टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर हम लोग हमेशा डिस्टेंस जो है पोल से नापेंगे, ठीक है, एक बात समझ लीजिए, आपको इमेज या ऑब्जेक्ट किसी के भी डिस्टेंस चाहिए तो आप हमेशा पोल से उसको नापेंगे, ठीक है। एक जीरो पॉइंट होता था ना ग्राफ में, यहाँ से ये जीरो पॉइंट है, तो यहीं से आपको कोई भी डिस्टेंस को मेज़र करना है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि लेफ्ट में जो भी चीज़ होगी, इमेज बने या ऑब्जेक्ट बने, तो उसकी डिस्टेंस को हम लोग नेगेटिव वैल्यू में लेते हैं, ठीक है, और डिस्टेंस को पोल से नापते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एरो से दिखाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, यही है। अब डिस्टेंस टुवर्ड्स राइट, जो राइट साइड में, जो दाया साइड में जो भी चीज़ होगा, जो भी ऑब्जेक्ट या इमेज, ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, इमेज जो भी होगा उसको वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो यही है साइन कन्वेंशन, ग्राफ अगर ड्रॉ कर लें तो इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, ठीक है, जैसे कि ग्राफ में होता है, सेम केस यहाँ भी बन रहा है, बस पोल से हम लोगों को लेना है सब। और आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लेफ्ट साइड में ही होना चाहिए, इस पोजीशन के पोल के हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए, नहीं तो इमेज कैसे बनेगी। और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में ही ले रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हुआ, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका जो डिस्टेंस हो रहा है वो हमेशा ही नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूला की। मिरर फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, 1/v + 1/u = 1/f, कोई मिरर हो यही फॉर्मूला का यूज़ होता है। u मतलब क्या होता है, u मतलब होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं दिया है, हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा से नेगेटिव में ही लेते हैं। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में लेते हैं, अब सेकंड जो है वी, वी जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है। इमेज डिस्टेंस जो है वो जिस तरीके से हम लोगों ने पीछे देखा, इमेज अगर यहाँ बना, अगर यहाँ है तो पॉजिटिव में लेंगे, अगर यहाँ इमेज बना तो हम लोग नेगेटिव में इमेज के डिस्टेंस को लेंगे, ठीक है। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस।
एफ मतलब फोकल लेंथ, जैसा कि हम जानते ही हैं, पहले से ही जानते थे, एफ मतलब छोटा एफ है, तो वो है फोकल लेंथ। वी मतलब इमेज डिस्टेंस, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको याद रख लीजिए, ये काम आएगा आप लोगों को। हो सकता है कभी फोकल लेंथ दे दे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दे और आपको इमेज डिस्टेंस याद निकालना हो, ऐसे ही कोई दो चीज़ दे देगा और आपको एक चीज़ निकालना हो, ऐसा परीक्षा में आएगा। अब दूसरा है मैग्नीफिकेशन फार्मूला। मैग्नीफिकेशन फार्मूला, मैग्नीफिकेशन मतलब क्या होता है, जो छोटी चीज़ों को बड़ी कर देता है। जैसा कि हम लोगों ने, आप लोगों ने भी देखा ही होगा कि एक आता है मैग्नीफाइंग ग्लास बोल के, वो जो है छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, तो वही है मैग्नीफिकेशन फार्मूला, उसी के लिए होता है। इसका फार्मूला जो पहला फार्मूला होता है वो है इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ये फार्मूला होता है। हम लोगों को मैग्नीफिकेशन में क्या करना है, इमेज हाइट पता करना है, इमेज मतलब इमेज कितना बड़ा बना ऑब्जेक्ट से, यही होता है मैग्नीफिकेशन। तो इमेज का हाइट भागा बटा में ऑब्जेक्ट का हाइट, ठीक है, यही है इसका फॉर्मूला। इसका एक और फार्मूला होता है एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। मैग्नीफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, माइनस वी बाई यू, वी का मतलब वही इमेज का डिस्टेंस, यू का मतलब वही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अब जो है नोट करने वाली बात, अगर एम, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव में आया, प्लस में आया, तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। कैसे बनेगा, सवाल तो यही है ना, कैसे बनेगा, तो देखिए ये माइनस है, यू, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहती है, लेफ्ट साइड में रहती है मतलब नेगेटिव में रहेगी, तो हम लोग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको नेगेटिव में लेते हैं, मान लीजिए 5 है तो माइनस 5 लिख दिया। अब इमेज भी मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी मान लेते हैं कि इमेज जो है वो इस साइड में बन गया, मिरर के पोल के इस साइड में बना, मिरर के इस साइड में बना, पीछे साइड बैक साइड में बना, तो इसके लिए हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, प्लस ले लेते हैं, इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू होगी, माना 5 बना, 5 दूरी पर बनी है, यहाँ से पोल से 5 दूरी पर बनी है, तो हम लोगों ने प्लस 5 ले लिया, ठीक है, प्लस 5 ले लिया। अब क्या होगा, प्लस 5 ले लिया तो ये प्लस और माइनस गुना होकर माइनस 5 हो जाएगा, और नीचे भी माइनस 5 ही है, तो ये माइनस माइनस कट गया, तो जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, तो वही बात है पॉजिटिव में आई, तो अगर पॉजिटिव है तो हम लोगों ने देखा कि इमेज को, जो इमेज जो हम लोगों ने लिया वो पॉजिटिव में लिया, पॉजिटिव मतलब मिरर के पीछे में, मिरर के पीछे में मतलब कि हम लोगों ने कल्पना करके बनाया है, कल्पना किया कि मीट कर रही है उस पॉइंट पर, मिरर के पीछे में ऐसे कल्पना किया कि मीट कर रही है, तभी हम लोगों ने पॉजिटिव में लिया। अभी तक आपने जितने भी केसेस देखे हैं, देखिए चाहे यहाँ देखिए या यहाँ देखिए, मिरर के पीछे में बन रही है, या फिर यहाँ भी देख लीजिए, ये जो मिरर के पीछे में बन रही है, क्यों बन रही है, क्योंकि हम लोगों ने कल्पना करके बनाया है, इसलिए ये मिरर के पीछे में बन रही है। तो इसके लिए हम लोगों ने उसके वैल्यू को, इमेज के डिस्टेंस की वैल्यू को हम लोगों ने पॉजिटिव में लिया था, ठीक है, और कल्पना करके बना रहे हैं तो मतलब वर्चुअल और इरेक्ट हो रही है। इसी तरीके रियल और इन्वर्टेड भी हो गए, अगर रियल रियल इमेज के लिए आप कुछ निकाले तो मैग्नीफिकेशन माइनस में आएगा, ठीक है। तो बस यहीं पर रिफ्लेक्शन चैप्टर हम लोग का समाप्त होता है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन पार्ट था वो यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग अपने बुक से इसके जुड़े सवाल
इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, इनको सॉल्व कीजिए, जितने सॉल्व करेंगे जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हम लोग शुरुआत करेंगे अगले वीडियो से। ठीक है, आज बस यहीं पर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को।